अबू को बताया था कि चाबी गिर गया तो थप्पड़ पड़े थे अबू से। बात कुछ इस तरह से बयान करता हूँ कि सारी रात सोया नहीं हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बादल देखने थे। आई नो इट साउंड्स वेरी क्रिंजी कि मैंने बादल देखने थे यार, लेकिन वो विजुअल्स होंगे तो ही मैं बयान कर सकूँगा कि जो मैंने देखना था वो क्या था। लेकिन अभी जब मैं जाने लगा, अबू ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि बाइक का लाइसेंस बनवाना है। अबू कहते हैं मैंने भी जाना है, मैंने भी अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना है। मैंने कहा ठीक है चलें। फिर मैंने अबू को डिश कराने की कोशिश की है कि अभी मैं घर वापस आ गया हूँ, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा जो वॉलेट है वो घर रह गया, और आईडी कार्ड के बग़ैर तो लाइसेंस बनता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने बादल देखने थे वो भी नहीं देख सका, मैं लाइसेंस बनवाने जाना था फिर लाइसेंस भी नहीं बना, और दूसरी बात अबू का भी लाइसेंस ही बना। यार मैंने कल भी एक ब्लॉग बनाया था लेकिन वो उसकी लेंथ काफ़ी छोटी थी, और इस ब्लॉग की भी लेंथ मुझे लगता है काफ़ी छोटी बन रही है। तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों ब्लॉग्स को मैं छोड़ के ना, मतलब एक प्रैक्टिस सेशन समझ के इनको मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन आज मुझे वापसी पे ख्याल आया अभी वापस आते हुए, यार इन दोनों को कंबाइन करके भी तो एक ब्लॉग बन सकता है ना। तो ये स्किल्स आ रही है, फिर स्किल्स नहीं आ रही है, बस यार बस अब इन दोनों को कंबाइन करके व्लॉग बनाऊंगा। और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो बस मैं सोने लगा हूँ, तो देर इज़ नो मोर व्लॉग। तो 10 मिनट पहले मैं उठा था और नाश्ता वगैरह करके मैं जल्दी से भागा हुआ अभी चाबी वाले के पास आके बैठा हुआ। उससे मैं सीन ये हुआ था कि कल रात को मैं मूवी देखने गया था तो वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी, 2 बजे मैं घर पहुँचा था। तो बाइक तेज़ चलाते हुए ना किसी खड्डे में ना बाइक लगा होगा, चाबी उतर के ना गिर गई है। अब पिछली दफ़ा ऐसे हुआ था, मैंने अबू को बताया था कि चाबी गिर गया तो थप्पड़ पड़े थे अबू से। अब उन थप्पड़ों से बचने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ चाबी बनवाने, तो जल्दी जल्दी से चाबी बन जाए। और मैं बाबा ये यूँ इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझसे मेरी आँखें नहीं खुलने हो रही, क्योंकि अभी अभी 100 मिनट और एकदम धूप देख रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा सा जश्ता नहीं है। बाय द वे ये दाने शाने इतने निकल गए हैं, इससे पहले इनको भी मैंने वापस से ठीक करना है, पहले मैं इतना प्यारा होता था, अब ये देखो ये क्या हो गया मुझे। बाय द वे कल इस बाइक पे भी मैंने 5,500 रुपये का ख़र्चा किया है, मतलब कि अंदर सारा इंजन वगैरह खुलवा के सब नई चीज़ें डाली हैं, मोटर गार्ड इसका टूटा हुआ था वो सारा चेंज करवा के अभी बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि अब जब अबू को पता चलेगा कि चाबी घूम गई थी तो क्या रिएक्शन आएगा, इधर ज़्यादा रिएक्शन आएगा या इधर ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन खैर वो तो घर जाके पता चलेगा। अभी मुझे यहाँ पे 2 काम है। पहला काम ये है कि यार मुझे चाहिए एक अदद ये की चेन चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वापस से मेरी चाबी घूमे और अब से तप्पे खाऊँ मैं, तो अभी पहले एक ज़रूरी है ये काम। और जो दूसरा काम था वो था ये मैंने कि मिल्क शेक पीना तैयार होना है, ये काफ़ी ज़्यादा अपना सेहत थोड़ी डाउन सी हुई हुई है, तब से थोड़ी एनर्जी टेकिंग चीज़ें हैं, तो मेरे बाद से मैंने स्टार्ट की हुई है, वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले से स्टार्ट की है। तो यार अभी साल बजने वाले हैं और बाहर बारिश हो रही है, और मैं वैसे ही बारिश का इतना ज़्यादा शौकीन हूँ क्योंकि यार बारिश में ना बाहर घूमने का दिल करता है, उसको भी बारिश बहुत पसंद थी। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, तो सीन ऐसा है कि यार मेरा बाइक ही नहीं है घर पे कि मैं बाइक जा सकूँ, इतना दुखी है यार। सैड सॉन्ग लगाओ मेरे पे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा अल्लाह हाफिज़।
भी पता है कैसी फीलिंग आ रही है, मेरा बाप मेरे ही सपनों का कातिल है।